और माहौल के दो ही उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा टेमीफ्लू दवा बेचना, जो पिछले दसियों साल से इस कंपनी ने उत्पादन करके गोडाउन में भरी हुई है। अब वो गोडाउन खाली करना है। अब ये गोडाउन कोई ऐसा गोडाउन नहीं है जो टूथपेस्ट का हो, रोज इस्तेमाल करें और फेंक दें। ये गोडाउन तो तभी खाली होगा जब कोई दवा का आतंक हो, वायरस का आतंक हो और डर हो और दहशत हो। डर, दहशत और आतंक के चलते आदमी मजबूर हो जाता है महंगी से महंगी दवा खाने के लिए और महंगे से महंगा इलाज करने के लिए। तो ये स्वाइन फ्लू का वायरस इसी तरह का एक प्रोपेगेंडा है। मुझे तो एक ही बात कहनी है, वो ये कि ये स्वाइन फ्लू नहीं है, मीडिया फ्लू है, मीडिया ने पैदा कर दिया। हमारी दूसरी है, लेकिन आप मर रहे हो लेकिन आपको कोरोना वायरस लेबल कर दिया जाता है। जी नहीं, जैसा हमने बताया था, कोरोना वायरस आपकी इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है, उस समय दूसरी बीमारियां होकर आप मर जाते हो, ये हमने ऑलरेडी समझाया हुआ है। एक बीमारी फैली एवियन फ्लू, वो ऐसा ही था जैसे स्वाइन फ्लू है, और उस बीमारी के फैलने से सारी दुनिया में कुछ लोग प्रभावित हुए। जो लोग प्रभावित हुए उनकी संख्या बताई जाती है 4.5 करोड़ लोग उसमें प्रभावित हो गए। और 4.5 करोड़ लोग जो प्रभावित हुए, फिर मैंने ये जानने की कोशिश की कि मरे कितने उसमें से, तो मात्र 6,000 लोग मरे थे, मात्र 6,000 लोग मरे थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये एवियन फ्लू का वायरस फैला और इसमें 6,000 लोग मर गए, सारी दुनिया में आतंक फैल गया। उस आतंक के चक्कर में एक अमेरिकन कंपनी ने वैक्सीन बना दिया एवियन फ्लू का, और वो वैक्सीन धड़ल्ले से सारी दुनिया में बेचा उन्होंने। और आपको सुनकर दुख होगा, उस वैक्सीन को लगवाने के बाद 60,00,000 लोग मर गए दुनिया, और पता नहीं कितने अपंग हो गए, कितने विकलांग हो गए। बीमारी आने से 6,000 लोग मरे, बीमारी का वैक्सीन बना और उस वैक्सीन को सारी दुनिया में भेजा गया, फैलाया, सबसे ज्यादा अफ्रीका के देशों में, सबसे ज्यादा लैटिन अमेरिका के देशों में, ब्राजील में, मेक्सिको में, चिली में, कोस्टारिका में, कोलंबिया में, फिर अफ्रीका में, नाइजीरिया में, सोमालिया में, इथियोपिया में, दक्षिणी अफ्रीका में, रोडेशिया में। तो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और भारत में भी हुआ था उसका। वैक्सीन का अंधाधुंध प्रचार हुआ, अंधाधुंध बिक्री हुई, 60,00,000 लोग वैक्सीन लगने के बाद। लेकिन आप मर रहे हो लेकिन आपको कोरोना वायरस लेबल कर दिया जाता है। जी नहीं, जैसा हमने बताया था, कोरोना वायरस आपकी इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है, उस समय दूसरी बीमारियां होकर आप मर जाते हो, ये हमने ऑलरेडी समझाया हुआ है। जिसका आप मर रहे हो लेकिन आपको कोरोना वायरस लेबल कर दिया जाता है। जी नहीं, जैसा हमने बताया था, कोरोना वायरस आपकी इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है, उस समय दूसरी बीमारियां होकर आप मर जाते हो, ये हमने ऑलरेडी समझाया।